दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येन जैन को बेल, इस वक्त की बड़ी खबर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर। जितेन भाटी फोन लाइन पर है, विजय इसी फ्रेम के साथ अगर फोन लाइन पर जितेन भाटी को लापा। जितेन, क्या जानकारी है, क्या होगा आगे के स्टेप्स, क्या है, जमानत कैसे मिली, एक एक जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए इस मामले में आपको देखे तो मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला था, सत्येन जैन पे मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था। उस मामले में 30 मई 2022 को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। देखिए लंबे अरसे से जो है वो गिरफ्तार है, हालांकि बीच में मेडिकल ग्राउंड पे बाहर भी आए थे, लेकिन इलाज के बाद उनको वापस जो है जेल में सरेंडर करना पड़ा। तो सत्येन जैन को यहाँ पर राउज एनी कोर्ट ने जमानत दे दी है, और जब जमानत मिली तो जिनकी पत्नी है वो जो कोर्ट में है वहीं पर वो रोने लगी, क्योंकि एक लंबा अरसा जो है वो यहाँ पर उन्होंने देखा कि जेल में रहे हैं। ऐसे में सत्येन जैन के लिए जो काफी देर से इंतजार भी कर रहे थे, और कई मर्तबा उनकी जो बेल थी या याचिका खारिज भी हुई थी, तो ऐसे में बड़ी राहत है। दिल्ली सरकार में पूर्व जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो रह चुके हैं, और बड़े लंबे समय से सत्येन जैन जो जेल में थे, अब एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इकलौते नेता थे आम आदमी पार्टी के जो अभी भी जेल के अंदर थे। मामला जो मनी लॉन्ड्रिंग का ही, लेकिन ये आबकारी नीति का मामला नहीं है, ये एक अन्य मामला है, लेकिन बड़ी राहत जो है वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मिली है चुनाव से ठीक पहले। मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को इस खबर के 4 या 5 पॉइंटर 1, 2, 3, 4, 5 करके एक बार बताइए। जितेंद्र, आपको सब लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर देखें तो कोई नेता अगर मंत्री की गिरफ्तारी हुई थी तो वो सत्येन जैन ही थे पंजाब। जितेन, मुझे खबर चाहिए, सिर्फ खबर बताइए, क्या क्या खबरें आई हैं इसमें बताइए। बिल्कुल, देखिए यहाँ आप इकलौते नेता थे और दिल्ली का चुनाव सामने है, चंद महीने बाकी रह गए हैं। ऐसे में जो शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते थे तो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया थे, वो गिरफ्तार हुए, उनको जमानत मिली। अब स्वास्थ्य मंत्री जो रहे हैं सत्येन जैन, उनको भी जमानत मिली है, तो आम आदमी पार्टी इसको बड़ी उपलब्धता के तौर पर ले रहे हैं कि चुनाव से पहले। मुझे ये बताइए कि ये कब तक बाहर आ सकते हैं जितेन जी? बिल्कुल, देखिए अभी बेल बॉन्ड भरने की प्रक्रिया चल रही है, अगर जो परवाना है बेल बॉन्ड सही समय में भर जाता है और 6 बजे तक वो जेल पहुंच जाएगा तो आज ही छूट जाएंगे। ठीक है शाम जितेन, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। मैं जाऊंगा विजय, मेरे बगल में ये ब्रेकिंग दिखाते रहिए। पहली बड़ी खबर, सत्येन जैन को जमानत मिल गई है, नंबर 1। नंबर 2, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येन जैन को जमानत। नंबर 3, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि बेल बॉन्ड भरने की प्रक्रिया भी चल रही है, 6 बजे तक अगर ये वापस पहुंच जाता है तो शायद आज ही वो रिलीज हो जाएंगे। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर, कोर्ट ने कहा कि सत्येन जैन लंबे समय से जेल में है। नंबर 5, ये इस वक्त के 5 पॉइंटर है।